हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सौरभ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी महिलाओं की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम है ओवेरियन सिस्ट। दोस्तों, महिलाओं को बच्चेदानी में गांठ हो जाने की समस्या। दोस्तों, महिलाओं के जब बच्चेदानी में गांठ हो जाया करती है तब आपको कौन कौन सी इफेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि ओवेरियन सिस्ट हो जाने का क्या कारण होता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, महिलाओं को और किस उम्र की महिलाओं को ओवेरियन सिस्ट होने के चांस अधिक रहते हैं, किस एज में आकर महिलाओं को बच्चेदानी में गांठ हो जाने के चांस अधिक रहते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको बताएंगे कि इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप जल्दी ही ओवेरियन सिस्ट की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, और अभी जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट की समस्या महिलाओं में आजकल एक आम समस्या हो चुकी है। आखिर ओवरी है क्या? ओवरी यानी बच्चेदानी। दोस्तों, यह महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ओवरी तरल पदार्थ से भरी हुई एक थैली होती है। इसी थैली में जब गांठ बनने लगती है तब इसको आम भाषा में बच्चेदानी में गांठ कहा जाया करता है। दोस्तों, इसमें गांठ हो जाने से महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर सबसे ज़्यादा महिलाओं को इनरेगुलर पीरियड्स की समस्या हो सकती है। विशेषकर मासिक धर्म का बिगड़ जाना, मासिक धर्म समय से पहले होने लगते हैं या फिर समय के कुछ दिनों के बाद होते हैं या फिर बहुत दिनों के बाद होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। कभी कभी दर्द के साथ होते हैं, होते भी हैं तो एक दिन होते हैं और ना के बराबर होते हैं, और या तो फिर बहुत अधिक होते हैं, कई कई दिनों तक लगातार भी हो सकते हैं। यह इनरेगुलर पीरियड्स की समस्या महिलाओं को विशेषकर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरा, बांझपन यानी कि जब तक ओवरी में गांठ रहती है तब तक महिलाओं को प्रेगनेंसी आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ओवरी में गांठ होने से महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। अधिकतर केसों में देखा जाता है कि जब तक गांठ रहती है तब तक प्रेगनेंसी नहीं आती है। इस तरह की समस्याएं महिलाओं को अक्सर हो सकती है। महिलाओं के सिर में दर्द हो सकता है, महिला बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर सकती है। किसी भी महिलाओं को ओवेरियन सिस्ट की समस्या हो जाती है तब उनको बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करना चाहिए। 100% रिजल्ट मिलता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के आप ओवेरियन सिस्ट की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हैं। तो प्लीज़ अभी मैं आपको जो भी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊँगा, ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको 100% आपकी ओवेरियन सिस्ट की समस्या से, बच्चेदानी की गांठ की समस्या से और आपके दिन में हो रहे बदलाव को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करने से आप हमेशा के लिए अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हैं। तो प्लीज़ अभी मैं ये इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में आपको बता देता हूं, तो प्लीज़ ये मेडिसिन जरूर यूज करें। पहली और वेरी इफेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन है AMN 3X या फिर 6X। ध्यान रखें 3X या फिर 6X, विशेषकर 6X में इस्तेमाल करना चाहिए। Orimune Net 6X। दोस्तों, Orimune Net 6X की यह गोलियां आती हैं, टैबलेट आती है, ट्राइचोलेशन है, इफेक्टेड होम्योपैथी मेडिसिन है। महिलाओं की ओवेरियन सिस्ट की समस्या से महिलाओं को जब बच्चेदानी में गांठ हो जाया करती है, पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की समस्या उनको हो सकती है, दोस्तों तब आपको Orimune Net का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। Orimune Net 6X आपको इसकी दो दो गोले दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, यह मेडिसिन आप जर्मन कंपनी की ले सकते हैं या फिर आप इंडिया की किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेषकर वैक्सन कंपनी की आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है आपको। Orimune Net 6X का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, हर तरह की गांठ से आपको छुटकारा दिला देती है। दोस्तों, यह मेडिसिन फाइब्रॉइड को भी बहा देती है और फोलिकल्स सिस्ट को आपको हमेशा का छुटकारा दिला देती है। दोस्तों, शरीर में होने वाली महिलाओं को जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कितनी भी पुरानी डिजीज होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई कितनी भी पुरानी बीमारी होती है, उसको दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से जल्दी ही रिजल्ट मिल जाता है। दोस्तों, वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है, दो दो गोलियां दिन में 3 बार आपको यह मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन आपको यूज़ करनी चाहिए Elatrisferanosa Q। दोस्तों, Elatrisferanosa का मल्टिंक्चर इस्तेमाल करना चाहिए। इसको आप 20-20 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में डालकर यूज करें। दोस्तों, Elatrisferanosa महिलाओं के ओवेरियन सिस्ट में होने वाली गांठ से छुटकारा दिलाने के लिए इफेक्टिव रिजल्ट देता है। जब महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं आती है
दोस्तों उन वे महिलाएं गर्भवती नहीं हो पाती हैं, उसको इस तरह की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एलेटरिस फेरेनोसा का यूज़ करना चाहिए। दोस्तों वे महिलाएं जिन्हें कई सालों से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, बहुत मेडिसिन लेने के बाद भी गर्भपात हो जाता है। कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी आती है लेकिन तीसरे, छठे और सातवें महीने में गर्भपात, अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं। एलेटरिस फेरेनोसा क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सट्रामेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यों, दोस्तों यह भी मल्टिंक्चर है, इसकी भी आपको 20-20 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर यूज करनी है। दोस्तों फाइब्राइड की समस्या से जब आपके शरीर में जिद्दी से जल्दी गांठें हो जाया करती हैं, विशेषकर ओवरी में गांठ हो जाती है महिलाओं की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जुड़ी हुई अधिकतर समस्याओं को दूर करने के लिए फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की समस्या से भी आपको छुटकारा दिला देती है। दोस्तों महिलाओं को सफ़ेद कमर यानी कि कमर कटने की समस्या को दूर करने के लिए भी फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का इस्तेमाल करना चाहिए। एब्डोमिनल पेन की समस्या से आपको छुटकारा दिला देती है। जब महिलाएं कहती हैं कि उनके पेड़ों में बहुत ज्यादा बर्म आ गया है, पेड़ों बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तब उसको दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यह है फाइब्राइड से छुटकारा दिला देती है, ओवेरियन सिस्ट की समस्या से जल्दी ही छुटकारा दिला देती है और आपको फॉलिकुलर सिस्ट से भी आपको छुटकारा दिला देती है। दोस्तों इन रेगुलर पीरियड्स की समस्या से आपको बहुत जल्द छुटकारा दिला देती है। आपके पीरियड्स समय से आने लगते हैं और आप बहुत ही जल्द इन रेगुलर पीरियड्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो प्लीज़ आप फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यू का भी इस्तेमाल जरूर करें। फ्रैक्सिनस अमेरिकाना का मल्टिंक्चर और एलेटरिस फेरेनोसा का मल्टिंक्चर, ये दोनों मल्टिंक्चर आपको आधे कप गुनगुने पानी में डालकर एक ही जगह मिक्स कर यूज कर सकते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए कैल्केरे फ्लोरिका 6X, दोस्तों CF6X का इस्तेमाल करें। शरीर में होने वाली इन लार्ज बोन्स की समस्या से, जब आपके शरीर में इन लार्ज गांठें होने लगती हैं, शरीर के किसी भी भाग में गांठ हो जाया करती है, तब आपको कैल्केरे फ्लोरिका 6X इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों जिद्दी से जिद्दी गांठों को दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। दोस्तों आप एरम्यूनेट और एलेटरिस फेरेनोसा क्यू और फ्रैक्सिनस अमेरिकाना क्यू के साथ कैल्केरे फ्लोरिका 6X मेडिसिन जरूर इस्तेमाल करें। कैल्केरे फ्लोरिका 6X मेडिसिन इस्तेमाल करने से बहुत ही जल्द रिलीफ मिल जाता है, बहुत ही जल्द आप बच्चेदानी की गांठ से छुटकारा पा सकती हैं। तो प्लीज़ कैल्केरे फ्लोरिका 6X की भी 5-5 गोलियां दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। दोस्तों कैल्केरे फ्लोरिका 6X इसलिए इफेक्टेड है क्योंकि यह शरीर में होने वाली हर तरह की सिस्ट से, हर तरह की गांठों से बहुत ही जल्द छुटकारा दे देती है। तो प्लीज़ ये चारों मेडिसिन आप ओवेरियन सिस्ट की समस्या को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो प्लीज़ इन मेडिसिन को जरूर इस्तेमाल करें 3 महीने तक। दोस्तों 3 मंथ्स इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए। 90 दिन आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तब आपको ओवेरियन सिस्ट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है और आपको ज़िंदगी में कभी भी बच्चेदानी में गांठ नहीं हुआ करती है। और कुछ महिलाएं भी जिनको ओवरी में गांठ हो जाने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो 3 महीने के अंदर अंदर ही उनको प्रेगनेंसी आने के चांस अधिक रहते हैं। आपको ओवेरियन सिस्ट या फिर अदर किसी भी डिजीज की, किसी भी बीमारी की और अधिक जानकारी चाहिए, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट pariupchar.com पर देख सकते हैं। आपको हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज़ अभी जो चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।